हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है ये उनके लिए स्पेशली है। ये स्पेशली यूँ इसलिए है क्योंकि जो ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है, मैं ये मास्टर वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास टेंथ का, जो पॉलिटिकल साइंस का क्लास टेंथ का बिहार बोर्ड का बुक है उसका मैंने क्या किया है, जो हर चैप्टर का क्वेश्चन को अलग अलग मैंने एमसीक्यू में आपको करवाया है और बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चंस है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने टोटल 10 चैप्टर है तो मैं एक साथ नहीं करवा सकती, काफ़ी 2 घंटे का हो जाएगा और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा पूरे वीडियो को सुनना, इसलिए मैंने उसको पार्ट वाइज कर दिया है फ्रेंड। तो जैसे कि पार्ट वन में मैंने अभी 1 से 3 चैप्टर का कंप्लीट करवाया है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद के चैप्टर का कर पाऊँगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप जो है इस वीडियो का लास्ट तक देखें। और हाँ फ्रेंड्स, जब ये तीनों पार्ट एक साथ अपलोड हो जाएगा तो आप बोलोगे तो मैं इसका PDF जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है तो आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर ले मेरा टेलीग्राम चैनल। मैं वहाँ पे जो है PDF इसका भेज दूँगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का जो मास्टर वीडियो है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु, मेरा यूट्यूब चैनल, इसको आप पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मास्टर वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का, स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी फर्स्ट चैप्टर है। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? रंग भेद, भाषा का भेद, क्षेत्रीयता या इनमें से सभी? तो फ्रेंड क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी रंग भेद, भाषा का भेद और क्षेत्रीयता। ये तीनों तत्व जो है क्या है, विरोधाभास या द्वंद्व का आधार होता है। सामाजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद का जो मूल कारण क्या होगा, जन्म, गरीबी, बेरोजगारी, तो इसका जन्म हो जाएगा। जन्म जो है सामाजिक विभेद का मूल कारण है। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है? तो इसमें देखिए, जैसे पहला है लिंग, रंग, धन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा थ्री का हो जाएगा आपका घ, यानी इनमें से जो है सभी, थ्री का घ इनमें से सभी हो जाएगा। जो सामाजिक व्यक्तिगत विभेद जो है सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है, इसमें होगा लिंग, रंग, धन, सभी। श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो देखिए, श्वेत और अश्वेत का जो है सबसे अच्छा जो है वो अमेरिका है। नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो इसके लिए जो है उत्तरी आयरलैंड को जाना जाता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो इसका नीदरलैंड है। नेक्स्ट है, सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बाँट कर रख दिया? तो वो कौन सा देश है? तो इसका हो जाएगा गौ, यूगोस्लाविया को जो है बिल्कुल खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट कर रख दिया। लोक, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है। सामाजिक विभेदों की राजनीति का हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। धर्म, जाति, भाषा आधारित विभेदों की राजनीतिक देश को विभाजित कर देती है। तो इसमें इनमें से सभी जो है ये सभी सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में जो सामाजिक विभेद होता है वो राजनीति को प्रभावित करता है।
सामाजिक विविधों की राजनीतिक हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक होता है और धर्म जाति और भाषा आधारित विविधों की राजनीति देश विभाजित कर देता है। तो ये जरूरी है, इनमें कौन सा सामाजिक विभाजन का निरर्थक तत्व है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौ, यानी इनमें से सभी स्वयं की पहचान की चेतना। राजनीतिक दलों के द्वारा क्या होता है, समुदाय की मांग को उपस्थित करने का तरीका, समुदाय की मांगों के प्रति सरकार की सोच, ये तीनों हो जाएगा। 10 है सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा ग, अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे की पहचान के प्रति आदर का भाव जो होता है, ये सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके परिणाम के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इनमें कौन सा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता, कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एक लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला है लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, विविधता लोकतंत्र को शक्ति देती है, विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर करती है और सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन का कारण होता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 का ग हो जाएगा, यानी लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं, विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, ये गलत है। विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करती, मजबूत करती है। विविध बोला लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, वो रहेगा ही, विविधता लोकतंत्र को शक्ति देती है, सही है, सामाजिक विभेदों ही सामाजिक विभाजन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता संघर्ष और अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है? पहला है जब सामाजिक विविधों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भेदभाव मूलक हो, जब सामाजिक विविधों की राजनीति हावी हो, जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो, इनमें से सभी, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन, किस देश को ये सामाजिक विभेद से ही है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये कौन सा देश था फ्रेंड, श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, भारत? तो यूगोस्लाविया। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विघटन करने में सहायक होता है, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित करता है। फ्रेंड्स तो इसका देखिए ये पता ही चल रहा है बहुत गलत है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही बयान कौन सा है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही राजनीतिक विभेद उत्पन्न होते हैं, सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है और सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स आपने सोच ही लिया होगा क्या होगा, ऑब्वियसली ग होगा फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये होगा। बाकी जो है सही बयान यही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक स्वार्थ का अभाव है। तो यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, ये हो जाएगा। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो किन्होंने आवाज़ उठाया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग या जॉर्ज वाशिंगटन? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ग, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्लास टेंथ का, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, चैप्टर 2 का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और ये जो है ये टेक्स्ट बुक का है फ्रेंड्स, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है, तो भारतीय समाज जो है किस विभेद से प्रभावित होता है, लिंग से, धर्म से, जाति से, इनमें से सभी।
तो इनमें से सभी हो जाएगा। जो भारतीय समाज है वो लिंग, धर्म, जाति, इन सभी से प्रभावित होता है। भारत का प्रमुख सामाजिक व्यवस्था क्या है? प्रमुख सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या इनमें से सभी। आप बताइए। बिल्कुल सही, सभी होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? कर्म था, धर्म था, लिंग था, रंग था। तो ऑब्वियसली कर्म था। प्राचीन काल में कर्म के आधार पे होता था सबसे प्राचीन काल में, उसके बाद तो फिर बदल गया था। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई? जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई फ्रेंड्स? होगा ऊंच नीच की भावना, अस्पृश्यता, समाज का विभाजन, इनमें से सभी। तो ये सभी आया था जाति प्रथा की कठोरता के कारण। ऊंच नीच की भावना भी थी, अस्पृश्यता भी थी और समाज का विभाजन भी था। यह कथन किनका है? समाज विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। महात्मा गांधी, रजनी कोठारी, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5 का? तो इसका जो है वो हो जाएगा ख। ये जो है रजनी कोठारी का है यह कथन। जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो राजनीति पे जाति के प्रभाव का उदाहरण पूछ रहा है। तो जैसे जाति के आधार पर निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व, कमजोर जातियों की संगठित होकर राजनीति में सौदाबाजी या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये किस वर्ष बना था? 1919 में बना था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है? तो क्या समझते हैं आप? यानी महिलाओं को पुरुष से निम्न समझना, महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना या लिंग के आधार पर विभेद करना। तो ये सभी होगा, क्योंकि ये सभी लैंगिक विभेद में आता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो आई नो आप जानते होंगे 943 होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1951 में, 1963 में, 73 में या 1983 में। फ्रेंड्स तो इसका ए कौ हो जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है 1953 में गठित किया गया था। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना डवाक्रा किस वर्ष शुरू की गई? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा 1982 में शुरू की गई थी। 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की थी? तो देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो है राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति को अपनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, कि राज्य का अपना धर्म नहीं होता, लोगों को धार्मिक मामले में राज्य का तटस्थ होना, सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण रखना, या इनमें से सभी। तो सभी होगा, धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है। नेक्स्ट है, संप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो अपने धर्मों में निष्ठा, अपने धर्म के अनुरूप व्यवस्था, अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रहित का बलिदान। तो फ्रेंड्स इसका गौ हो जाएगा। सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्रहित का बलिदान जो करते हैं।
वो होता है सांप्रदायिकता। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के प्रयास में कौन शहीद हुए थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के प्रयास में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? तो समाज में लैंगिक विभेद किससे होता है? महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना, महिलाओं को पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, समाज द्वारा महिला पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका, या महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। तो इसका ए होगा, महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ होता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई थी? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई थी। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, तो आप जानते हैं अपने धर्म को सभी धर्मों में श्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिकता का सही अर्थ है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष के संबंध में पहला है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, सभी लोगों को अपना धर्म मानने और उसके अनुशासन करने का पूरा ये होता है। दूसरे धर्मों पर आघात पहुंचाए बिना अपने धर्म के प्रचार का अधिकार होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसका जो गलत है वो ख हो जाएगा, राज्य का कोई अपना धर्म होता है, कोई अपना धर्म नहीं होता है होगा। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है 1971 में प्राप्त हुआ। तो जैसे आप देखिए, ये जो है चैप्टर 3 है, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। तो सत्ता में भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सत्ता में भागीदारी क्यों, सरकार के निर्णय पर जनता की राय जानने के लिए, सरकार के कार्यों पर जनता की सहमति और समर्थन प्राप्त करने के लिए, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। तो इनमें से सभी होगा, इसलिए सत्ता में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सबसे पहले है कि सरकार के निर्णय में जनता की भागीदारी, निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करना, सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, इनमें से सभी। तो सत्ता में भागीदारी का सभी होता है, सरकार के निर्णय में जनता की भागीदारी भी होगा, निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करना भी होगा, और सरकार के कामकाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन में जनता की भागीदारी का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? राज्य के कामकाज में जनता जनार्दन की रुचि बढ़ती है, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती यानी दृढ़ता प्रदान होती है, राजनीतिक व्यवस्था के जन समर्थन और स्थायित्व मिलता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, शासन में जनता की भागीदारी का यही लाभ होता है कि ये सभी होगा। राज्य के कामकाज में जनता जनार्दन की रुचि बढ़ती है, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होती है, और राजनीतिक व्यवस्था में जन समर्थन स्थायित्व मिलता है। चौथा क्वेश्चन, विविधताओं पर आधारित समूहों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा का सबसे सरल साधन क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे सरल साधन क्या हो जाएगा? पहला है, सबको राजनीतिक लाभ और पद देना, सबको आर्थिक सहायता देना, सबके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, और इनमें से सभी तो हो जाएगा। सबके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सबके लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, विविधता पर आधारित समूह को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता से जो अलग करती है। श्रीलंका को शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय को अधिक भागीदारी प्राप्त है? तो इसका देखिए, सिंहली हो जाएगा। श्रीलंका की शासन व्यवस्था में जो है सिंहली
समुदाय का आर्थिक भागीदारी प्राप्त है। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में किन किन मंत्रियों की संख्या बराबर रखने का प्रावधान किया गया है, तो किन किन का रखा गया है फ्रेंड्स, तो इसका डच एंड फ्रेंच भाषी हो जाएगा। बेल्जियम की विधायिका में कानून बनने की क्या शर्त है, तो मतलब जैसे कानून बनने का क्या शर्त है, तो जब फ्रेंच और डच दोनों भाषाई सदस्य कानून के पक्ष में मतदान करें, यानी गौ है, दोनों जब करेगा तभी होगा। श्रीलंका में तमिल भाषियों के असंतोष का क्या कारण है, तो तमिल भाषियों के असंतोष का कारण अब बोल रहा है अल्पसंख्यक तमिल के हितों की अनदेखी, तमिलों को सत्ता में कम भागीदारी, सिंहलियों को शासन के क्षेत्र में अधिक भागीदारी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, ग हो जाएगा, अवसर की समानता। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया, अवसर की समानता पर किया गया। कौन सा देश सत्ता में भागीदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है, तो श्रेष्ठतम प्रतिमान कौन सा होगा, बेल्जियम हो जाएगा। बेल्जियम देश सत्ता में भागीदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है। शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है उसी को हम शक्ति का पृथकीकरण कहते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन से क्या अभिप्राय है, तो इसका ग हो जाएगा। तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन, जो तीन अंग आपको बताई मैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन, यही नियंत्रण संतुलन का अभिप्राय है। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं, तो कितनी सूचियां बनाई गई हैं फ्रेंड्स, इसका ग हो जाएगा, तीन सूचियां बनाई गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए, तो पहला होगा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोच्चतम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी, तो ये बेल्जियम हो जाएगा, सबसे पहले बेल्जियम में की गई थी। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो पहला है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो कौन सा शहर है बेल्जियम का, तो इसका हो जाएगा मर्च टेम में लगा दी गई थी। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो सत्ता में भागीदारी का सही लाभ होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी कूट में वृद्धि, तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। तो जो सत्ता में भागीदारी का सही लाभ होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, वह हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो देखिए बेल्जियम का जो होगा वो ग हो जाएगा, यानी संघीय शासन व्यवस्था अपना कर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है, तो इसका सही कथन यही है कि सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड के जो बुक है उससे ये सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी पूरा वीडियो को नहीं सुन पाओगे, इसीलिए मैं इसको जो है पार्ट वाइज कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में आगे का जो चैप्टर है वो सारा मैं आपको करवा दूंगी। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद वाला पार्ट जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।